सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम के बारे में, जो कि हर आईपीएल के सीजन के स्टार्टिंग में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम काफी जबरदस्त, काफी खतरनाक टीम दिखाई देती है। जहां टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद होते हैं, तो वहीं टीम में जबरदस्त गेंदबाज और ऑलराउंडर भी मौजूद होते हैं। लेकिन मैच में इतनी जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाती आरसीबी की टीम, क्योंकि आरसीबी की टीम इतनी ज्यादा बैलेंस टीम नहीं होती है, जिसके चलते आईपीएल 2019 में भी आईपीएल के प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी और काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में, जिनके खराब फॉर्म के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से बाहर कर देगी, यानी कि ये पांच के पांच बड़े खिलाड़ी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जाएंगे। तो वहीं इनकी जगह पर आरसीबी की टीम पांच बड़े खिलाड़ियों को शामिल करेगी। तो गाइस, वो कौन से खिलाड़ी होंगे पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है, पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में, जिनके खराब फॉर्म के चलते आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर देगी, यानी कि बाहर कर देगी अपने टीम से, तो यहां पर नंबर एक पर नाम आता है हेनरिक क्लासन का, जो कि एक जबरदस्त विकेटकीपर बल्लेबाज तो है, लेकिन आईपीएल 2019 में इनका काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था, जो कि इन्हें 3 मैचों में खिलाया गया था और इन 3 मैचों में सिर्फ 9 रन ही बना पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में इनके खराब फॉर्म के चलते आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के लिए इन्हें अपने टीम से बाहर कर देगी। अब अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर दो पर नाम आता है उमेश यादव का, जो कि उमेश यादव एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है, लेकिन आईपीएल 2019 के इनका सीजन काफी खराब गया है, जो कि 11 मैचों में इन्हें खिलाया गया था और इन 11 मैचों में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, तो वहीं सिर्फ 8 ही विकेट छटका पाए थे। ऐसे में आरसीबी की टीम इन्हें भी आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर सकती है और इनकी जगह पर दूसरे तेज गेंदबाज को टीम में शामिल कर लेगी। अब अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर तीन पर नाम आता है शिवम दुबे का, जिन पर आरसीबी की टीम ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था और काफी महंगे में खरीदा था आईपीएल 2019 के लिए, लेकिन आईपीएल 2019 में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे शिवम दुबे, जो कि एक जबरदस्त यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर है, लेकिन आईपीएल 2019 में इन्हें 4 मैचों में खिलाया गया था और इन 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बना पाए थे अपने बल्ले से, तो वहीं एक भी विकेट नहीं छटका पाए थे अपने गेंद से। तो ऐसे में आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के लिए शिवम दुबे को भी अपने टीम से बाहर कर देगी और इनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करेगी। अब दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर चार पर नाम आता है पवन नेगी का, जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं आरसीबी की टीम में, लेकिन आईपीएल 2019 का इनका भी सीजन काफी खराब गया था, जो कि 7 मैचों में इन्हें खिलाया गया था और इन 7 मैचों में सिर्फ 3 ही विकेट छटका पाए थे अपने गेंद से, तो वह अपने बल्ले से सिर्फ 9 रन ही बना पाए थे। ऐसे में इनके खराब फॉर्म के चलते आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के लिए इन्हें भी अपनी टीम से रिलीज कर देगी। अब अगर हम बात करें पांचवें और आखिरी खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर पांच पर नाम आता है मोहम्मद सिराज का, जो कि एक बेहतरीन यंग टैलेंटेड फास्ट बॉलर तो है, लेकिन आईपीएल 2019 का इनका भी सीजन काफी खराब गया था और काफी महंगे साबित हुए थे, काफी ज्यादा रन लुटाए थे, जो कि मोहम्मद सिराज को 9 मैचों में मौका मिला था और इन 9 मैचों में सिर्फ 7 ही विकेट छटका पाए थे। तो गाइस, ये रहे आरसीबी के वो पांच बड़े खिलाड़ी जिन्हें आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी एक जबरदस्त बैलेंस और मजबूत टीम बनाने के लिए। अब अगर हम बात करें उन खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में खरीद सकती है अपने टीम में शामिल करने के लिए, तो यहां पर नंबर एक पर नाम आता है मिचेल स्टार्क का, जो कि एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है, जो कि आईपीएल 2018 में केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल 2019 के लिए केकेआर ने अपने टीम से रिलीज कर दिया था और अब आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जाएंगे। ऐसे में आरसीबी की टीम अपनी बैलेंस और मजबूत टीम बनाने के लिए, अपनी तेज गेंदबाजी मजबूत करने के लिए मिचेल स्टार्क के ऊपर दांव खेलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर दो पर नाम आता है मोहम्मद शहजाद का, जो कि अफगानिस्तान के एक जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो कि आईपीएल 2020 के लिए आरसीबी की टीम इन पर भी दांव खेल सकती है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर तीन पर नाम आता है नथन कल्टन नायल का, जी हां, जो कि आरसीबी की टीम का हिस्सा थे आईपीएल 2019 में, लेकिन आरसीबी की टीम ने इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में डेली स्टेन को शामिल कर लिया था और डेली स्टेन ने सिर्फ 2 ही मैचों में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और उसके बाद आईपीएल 2019 से बाहर हो गए थे इंजरी के चलते,
लेकिन आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम दिल्ली स्टैंड को तो अपने टीम में शामिल कर लेगी, तो इसके बाद रतन कर्णा नायल को भी अपने टीम में शामिल करने को चाहेगी और आईपीएल के ऑक्शन से उन्हें अपने टीम में शामिल कर लेगी। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें कि आरसीबी की टीम को किन किन खिलाड़ियों पर दांव लगाना चाहिए आईपीएल 2020 के ऑक्शन में और किन किन खिलाड़ियों को आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज करना चाहिए। वहीं क्रिकेट की हर एक न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले।